जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2021 में बनाई जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। जी हां, हम बात कर रहे हैं पानीपत के जाबाज खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की, जो कुछ ही समय पहले अपनी कोहनी की सर्जरी से उभरते हुए अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर बनाते हुए टोक्यो ओलंपिक 2021 में जगह बना चुके हैं। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिले के छोटे से खंदरा गांव से संबंध रखते हैं। नीरज का पिछला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला साल 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में हुआ था, जहां उन्होंने 88.06 मीटर पर भाला फेंककर भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया और नीरज का यह थ्रो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड था। नीरज चोपड़ा का जन्म 27 दिसंबर 1997 में हुआ था और वह कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाले पानीपत जिले के पहले खिलाड़ी बने। वर्तमान में सभी पानीपत के जाबाज बेटे पर नाच करते हैं। नीरज चोपड़ा के पिता सतीश कुमार किसान हैं और खेतीबाड़ी से घर परिवार का खर्च चलता था। वही आपको बता दें कि इस बार 2021 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जापान के टोक्यो में आयोजित होने जा रहे हैं, जिनका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होगा। 2020 में होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट को कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप मार्च 2020 में स्थगित कर दिया गया था। पुनः निर्धारित होने के बावजूद खेलों के विपणन और ब्रांडिंग के उद्देश्य के लिए टोक्यो 2020 के नाम को बरकरार रखा गया है और ऐसा पहली बार है जब ओलंपिक खेलों को रद्द करने की बजाय स्थगित और पुनः निर्धारित किया गया है। हम सब दिल से कामना करेंगे कि इस बार भी नीरज चोपड़ा की मेहनत रंग लाए और वह एक बार फिर देश का नाम ऊंचा करे। नमस्कार, इसी तरह की ताजा अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे सिटी तहलका के साथ।